जय श्री ओम नमः श्री देव्या ओम नमः श्री देव्या ओम नमः श्री देव्या नमो रिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयुर्याणम नमो अच्छायाणम नमो लोय शब्दशाह मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्याय दर्पण तलिव शकला प्रतिफलति मालिका पदार्थ मालिका यत्र जैसे दिगंबर मुनिराजों से 28 मूलगुण की अपेक्षा की जाती है, द्रव्यानियों की अपेक्षा से तो त्रिकाली ध्रुव गाय का आश्रय हो, प्रचुर स्व संवेदन हो, कर्णानियों की अपेक्षा से तीन कषाय चक्री का अभाव हो, चरणानियों के अनुसार 28 मूलगुण का पालन हो, ऐसे दिगंबर मुनिराज प्रथमानियों के अनुसार प्रशंसनीय होते हैं। ये चार अनियों का लक्षण है। जैसे हम दिगंबर मुनिराजों से 28 मूलगुण की अपेक्षा करते हैं, ऐसे ही आप सबसे भी भले ही आप सम्यक दृष्टि हो के मत हो, आप सम्यक दृष्टि हो के मत हो, लेकिन अष्ट मूलगुण की अपेक्षा की जाती है। अष्ट मूलगुण की अपेक्षा की जाती है। अष्ट मूलगुण का दो प्रकार का वर्णन है जिनवाणी में। एक तो जो अनाचारी हैं, अजैन हैं, दिगंबर जैन नहीं हैं, किसान हैं, भील हैं, ऐसे लोग हैं, उनको तो अष्ट मूलगुण के नाम पर पांच उदंबर और मध्य मास मधु का त्याग, ऐसे आठ का त्याग कराते हैं उनको। लेकिन आप सबको ऐसा नहीं है। जो दिगंबर जैन है वो पांच तो खाते ही नहीं है, पांच उदंबर और मध्य मास मधु भी नहीं खाते। तो ये आठ मूल गुण तो हैं अजैनों की अपेक्षा से, किसान, भील, मच्छी मारने वाले, शिकार करने वाले होते नहीं, उनकी अपेक्षा से ये बात। दिगंबर जैनों के लिए अष्ट मूल गुण अलग है। पांच अणुव्रतों का पालन, जिन मंदिर का भगवान का देव दर्शन, अनछना पानी बिना छना पानी का त्याग और रात्रि भोजन का त्याग, ये आठ मूल गुण प्रत्येक दिगंबर को पालने लायक। जो भी जैन है, कौन कौन से? पांच अणुव्रत, पांच अणुव्रत अष्टपाहुड़ में, अष्टपाहुड़ है मेरे पास, सुना दूं थोड़ा सा? ये सब लिखे, इसमें लिखा है पांच अणुव्रत का प्रकरण। पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत, चार शिक्षा व्रत, ये सब बात इसमें लिखी नहीं। मैं अर्थ करके सुनाता हूं आपको। 23 नंबर की 23 और 24 नंबर की गाथा है अष्टपाहुड़ में, चारित पाहुड़ की, चारित पाहुड़, इसमें आप पढ़ लेना है ना। किसी ग्रंथ में इस प्रकार कहा कि पांच अणुव्रत पाले और मध्य मास मधु का त्याग करे, आठ मूल गुण हैं, ऐसा भी लिखा है। पांच उदंबर, तीन इनका भी लिखा है, और देव दर्शन करना, अनछना पानी का त्याग करना और रात्रि भोजन का त्याग करना, ये करना। अभी अणुव्रतों का स्वरूप कहते हैं पांच अणुव्रत। आप सबसे बुद्धि पूर्वक पांच अणुव्रत के त्याग की अपेक्षा, सॉरी, अणुव्रत ग्रहण करने की अपेक्षा है। पांच पापों का एक देश त्याग आपको कंपलसरी करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए, थोड़ी सी चर्चा सुने आप। देख सकते, सड़क पर कोई पुलिस वाला पूछे आपकी चोरी का त्याग है,
और आप बोले मेरे तो चोरी का त्याग नहीं है, तो क्या सेंस निकलेगा इसका? आपकी शादी होने वाली है और कोई आपसे पूछे क्यों आपके परस्त्री सेवन का त्याग का नियम है, बोले नहीं है, तो शादी नहीं होगी। माने सील में इतना नियम तो उसको होना ही चाहिए कि अपनी पत्नी के सिवाय, आपने देखा होगा विवाह जब होता है ना, विवाह होता है तो पंच परमेष्ठी की साक्षी में 7 वचन दिए जाते हैं, वो 7 वचन में सील व्रत है, सील व्रत है अपनी पत्नी के सिवाय अन्य कहीं पर भी विकल्प नहीं करेंगे, उसमें ऐसा है। ऐसे स्त्री के लिए भी स्वय द्वारा स्वय पुरुष संतोष व्रत है वहां पर, तो 5-7 नियम जो रहते ना उसमें ये बात आती है। मुझे तो ये कहना है कि आप यदि कहेंगे कि क्यों आपके हिंसा का त्याग है, कि नहीं नहीं मेरे कोई त्याग नहीं है, तो कोई आपको जैन भी नहीं मानेगा। इसलिए 5 अणुव्रत तो बिना सम्यक दर्शन करे भी पालना चाहिए। अब कोई ऐसा कह सकता है कि पंडित जी सम्यक दर्शन की बात पहले करो, अणुव्रतों की बात कर रहे हो। एक बहुत अच्छी बात शायद आचार्य तुलसी श्वेतांबरों में, उन्होंने तो अणुव्रत का आंदोलन ही चलाया, बहुत फेमस हुए वो इस मामले में। सम्यक दर्शन के बगैर भी 5 अणुव्रत होते हैं, कैसे होते हैं मैं पढ़ के सुनाता हूं। इसमें 24 नंबर की गाथा में से, यहां स्थूल मने अणुव्रत कहने का क्या अर्थ है, तो जिसमें अपना मरण हो पर का मरण हो, ये हिंसा, ऐसा त्याग करना, आत्मघात का त्याग करना और पराई हत्या का त्याग करना, अपना मरण हो पर का मरण हो, अपना घर बिगड़े पर का घर बिगड़े, राजा के दंड के योग्य हो, माने कोर्ट के दंड के योग्य हो, कानून के दंड के योग्य हो, पंचों के दंड के योग्य हो, माने ऐसा कोई काम करे जिससे पंचायत बैठे तो दंड मिले, इस प्रकार मोटे अन्याय रूप कार्य पाप कार्य जानने, माने कोई सूक्ष्म त्याग नहीं कराया है। 5 अणुव्रत का नियम तो होना ही चाहिए। आगे, इस प्रकार स्थूल पाप राजादिक के भय से ना करे वह व्रत नहीं है। देखो, राजादिक के भय से नहीं करे वह व्रत नहीं है। इनको तीव्र कसाय के निमित्त से, तीव्र कर्म बंध के निमित्त जानकर, तीव्र कसाय के निमित्त से इसे तीव्र कर्म बंध होगा ऐसा जानकर स्वयमेव नहीं करने का भाव आता है, उसका नाम है व्रत। इसकी बात फिर और चर्चा है इसमें। समझ में आ गया सबको? माने 5 अणुव्रत का नियम तो बुद्धि पूर्वक ले लेना चाहिए, और नहीं तो फिर ऐसा होता है कि विवाह के बाद पत्नी गुजर गई या कुछ घटना घट गई तो मन चलायमान होने लगा, अथवा पत्नी भी है लेकिन पर में मन चला जाता है, एक बिल्कुल गलत बात है। आप इसीलिए बुद्धि पूर्वक 5 अणुव्रतों का पालन करो, प्रतिज्ञा पूर्वक। मैं तो ये चाहता हूं बिल्कुल मंदिर में भगवान के सामने द्रव चढ़ा करके ना, श्रीफल चढ़ा करके नियम लो 5 अणुव्रत। आपने यदि सुकोशल स्वामी की कथा पढ़ी होगी, संबंध है उसकी है, या जम्मू स्वामी चरित है, देख लेना, थोड़ा गड़बड़ हो सकती है मेरे ख्याल से, तो देख लेना थोड़ा सा। दिगंबर मुनिराज ने एक ब्राह्मण की कन्या जो पहली बार खेलते खेलते अपने मित्र सहेलियों के साथ जंगल में आ गई थी जिज्ञासा से, और मुनिराज का उपदेश सुना तो मुनिराज ने 5 अणुव्रत का नियम दिया। देख लें दोनों चरित में से किसी में है। तो मुनिराज ने उनको नियम दिया, वो लड़की को, छोटी सी बच्ची को, 10-12 साल की बच्ची को, कि 5 अणुव्रत का नियम ले जाओ। लेकिन वो जानते थे कि इसका पिता विप्र है, जैन धर्म का शत्रु है, तो वो इसको तंग करेगा। तो उसने कहा, बेटा कि तेरे पापा यदि इसे लेने से मना करें तो मेरे नियम मुझे वापस कर जाना, मेरा नियम मुझे वापस कर जाना, फिर तो बहुत बड़ी घटना है। वो उसने पढ़ ली ना, बहुत जोरदार अच्छी कहानी है, बच्चों पढ़ना सब लोग, बहुत जोरदार कहानी है। तो वो 5 अणुव्रत के नियम पर डांट पड़ी पप्पा से, तो उसने कहा, सुनो यदि आपको कहना है कि मैं इसे नहीं पालू 5 अणुव्रत, तो चलो मैं उनको वापस करके आती हूं। तो कहले ठीक है, तू चल वापस भी कर लेना, मैं भी थोड़ा उलायना दूंगा, मैं भी थोड़ा कहूंगा कि तुमने मेरे बच्चे को बिना पूछे कैसे दिया नियम। लेकिन रास्ते में ऐसी 5 घटनाएं घटी, तो पप्पा एक बार बताओ, मैंने अहिंसा अणुव्रत लिया तो क्या गलत किया?
इसीलिए तो इसको पुलिस पकड़ रही है, ऐसे पांचों की घटना घटती है उसमें, पढ़ लेना अब, अच्छी कहानी है, जोरदार। आखिरकार मुनिराज ने, वो विप्र ने कहा कि तू पांचों अणुव्रत पाल, परंतु मैं डांट के तो आऊंगा, मेरे बिना पूछे मेरे बच्चे को पांच नियम क्यों दिए। मैं बताना तो चाह रहा हूं कि पांच अणुव्रत तो एक बच्चों जैसी बात है। क्या लिखा है? अपना घर नहीं बिगड़े, दूसरे का घर नहीं बिगड़े, अपनी मरण नहीं होए, दूसरे का मरण नहीं होए, और राजा का दंड ना मिले, पंच का दंड ना मिले। इतना स्थूल पांच, माने हिंसा नहीं करना, अहिंसा, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, और कुशील सेवन नहीं करना, और चोरी वो सॉरी परिग्रह, ऐसा परिग्रह नहीं करना, ऐसा परिग्रह नहीं करना जिस परिग्रह के चक्कर में मरणाधिक हो जाएं, हम किसी को मार करके भी उसका धन ले लेवे, ऐसा काम नहीं करना। तो बुद्धि पूर्वक इन पांच का स्वरूप आप विचार करना, हो सके तो अनंत चतुर्दशी के दिन, है ना, बढ़िया। आप एक नियम लो जोरदार कि हम पांच अणुव्रत का पालन करेंगे, जीवन में कुशील सेवन नहीं करेंगे, आदि आदि, वो सब समझ लेने इसमें से। तो ये तो मैंने इसमें से पढ़ के सुनाया, चारित पाहुड़ है, आप देख लेना। अब मैं पढ़ के सुनाता हूं इसमें 74 नंबर की गाथा। स्वामी जी को 74 नंबर की गाथा बहुत पसंद थी। जब भी ये पांच अणुव्रत कोई भंग करता था, या कोई रात्रि में पानी पीता था, या कोई भोजन करता था रात्रि में, या अनछना पानी वापरता था, तो ये 74 नंबर की गाथा सुनाते थे। 74 नंबर की, दुखदायक, आहा, शब्द पहले ही क्या है, दुखदायक, दुस्तर माने कठिन, अने पापनु स्थान एवं आठ पदार्थों नो परित्याग करीने निर्मल बुद्धि वाला पुरुष जैन धर्म ना उपदेश ने पात्र थाय छे। जैन धर्म ना उपदेश ना पात्र थाय छे, कौन? जिसको आठ मूल गुण का पालन होता है। आठ मूल गुण के बिना हम कोई जिनवाणी सुन भले ही लेंगे लेकिन समझ में नहीं आएगी, सुन भले ही लेंगे लेकिन जीवन में ग्रहण नहीं होगी, विशुद्धि लब्धि नहीं होगी, तद्रूप परिणमन नहीं होगा। इसीलिए चर्चा करना तो सरल हो गया आजकल, बातें तो हो जाती हैं, लेकिन अंतर में हृदय भीग करके समकित होता नहीं है। एक गाथा 74 नंबर सुनाते थे, वो मैंने आपको बताई। अब आज चोरी का उद्घाटन करेंगे माने चोरी की चर्चा करेंगे। सुनना सब बच्चे हैं, अभी अभी तक तो तुम्हारे काम की बात नहीं चली, तो बच्चे विकल हो गए थोड़ी देर के लिए। अभी सुनना, कौन सा पाप चलेगा? चोरी का। हाँ बिल्कुल ठीक, चोरी चोरी जरूर करना चाहिए, अच्छी चीज है। मैं बच्चों को एक एग्जांपल अक्सर देता हूँ कि बोलो पप्पा अपने हैं कि नहीं, पप्पा है कि नहीं अपने, अरे बोलो नहीं, ये तो भाई पहले ही त्यागी हो गई, समझ में आया कि नहीं आया? बच्चे बोलते हाँ पापा तो हमारे हैं, तो पापा का पेंट भी अपना है, हाँ तो उनकी पॉकेट भी अपनी है, और पॉकेट का पर्स भी पापा अपने, तो पॉकेट का पर्स भी अपना है, तो चोरी हुई कि नहीं हुई? चोरी हुई कि नहीं हुई? क्यों, घर का फ्रिज अपना है कि नहीं? नहीं है, समझ गए सब लोग? नहीं, चोरी दो ही जगह से हो सकती है या तो पॉकेट में से, या फ्रिज में से कोई चीज रखी हो तो मम्मी पापा के बिना पूछे। अभी टाइम नहीं है इसलिए बात नहीं कर रहे, नहीं तो पूछते हाथ खड़े करो कौन कौन खाता है लेकिन मैं चोरी की बात करती हूँ। देखो पहले ही है, प्रमाद कसायना योग थी, 102 नंबर की गाथा है। जे प्रमाद कसायना योग थी, प्रमाद कसाय तो कल समझाया था आपको, कल ही समझाया था। प्रमाद कसाय, प्रमाद एटले कसाय, चार कसाय के सहित मन वचन काय की जो परिणति है उसका नाम चोरी है। आप पर पदार्थ को क्यों चाहते हो? क्योंकि आपको लोभ है, लोभ के बसीभूत होकर जो मन में सोचते हैं ये चीज मुझे मिल जाए, ये चीज मैं उठा लाऊं, पैसे से कमा के प्राप्त करूं कि चोरी करूं, क्या कहें, एक मोबाइल ने हजारों चोर पैदा कर दिए, हजारों तो कम कह रहे हैं, पूरे बस विश्व में लाखों चोर पैदा कर दिए एक मोबाइल ने। एक भिखारी को भी मोबाइल चाहिए, भले ही उसको रिचार्ज कूपन क्या कहता है, बाउचर, भले ही वो बाउचर का पैसा नहीं हो तो चोरी कर ले भी,
चोरियां करें भी, क्या कहते हैं बताओ? माने अभी तो ऐसे सुनते हैं, घर के बाहर बल्ब लगावे तो वो चुरा ले जावे, घर के बाहर नल लगावे ना, नल 2-5 रुपए की टोटी तो वो ही चुरा के ले जावे, बताओ। माने क्या गजब हालत है, गवर्नमेंट ने थोड़ा पब्लिक के लिए पब्लिक प्लेस पर नल लगा दिए हैं, तो गरीब बच्चों के उनके लिए पानी भरने के लिए, तो वही चुरा के ले जावे, फिर पानी का कितना वेस्ट है, जो इससे कोई मतलब नहीं। माने आप गजब कल्पना नहीं कर सकते, इस समय आदमी कुछ भी चोरी कर सकता है। आपके समझ में आया कुछ? कहां मोबाइल से जोड़ दिया मैंने, तेरे को यदि प्रगे में आनंद है, उसमें आनंद आता है कोई पर पदार्थ में, तो तू लोभ के वशीभूत हो गया, तो तेरे मन में पहले नंबर, तो ध्यान से सुनना, मन वचन काय तीनों की प्रवृत्ति को चोरी कह रहा हूं। किसी की सामग्री उठाकर ले आए, ये तो बहुत आखिरी काम है, ये तो आखिरी काम है, लेकिन पहले मन ही मन सोचता है पैसे की जुगाड़ कहां से लगाऊं, पैसे की जुगाड़ कहां से लगाऊं। ये प्रमाद सहित मन, कसाय सहित मन, लोभ सहित मन। लड़कों में, मैंने अभी कल ही परसों अखबार में आया था, कल ही परसों, कि स्टूडेंट, गर्ल्स स्टूडेंट, कॉलेज की गर्ल्स स्टूडेंट और लैपटॉप चुराते हुए पकड़ी गई कॉलेज में से, मोबाइल चुराते हुए। अरे जब अपने मित्रों के बीच में मैं मोबाइल बताऊंगा डबल सिम वाला, क्या तबीयत गिलेट हो जाएगी, और क्या कहलाते, कौन सा कैमरा होता है वो, डिजिटल, बच्चों को मेरे से भी ज्यादा मालूम है, डिजिटल कैमरा, तब मजा आएगा। अब महीनों सोचता है कहां से पार किया जाए, लोकल ट्रेन में कौन के पीछे खड़े हुआ जाए, गजब। कितना मन की चोरी, पहले मन की चोरी हो, मन से चोरी, महीने 6 महीने में कभी कर पाए तो कर पाए, उसमें भी आगे लिखा है इसमें, फिर हिंसा हो जाए, कोई पीट देवे, मान अपमान हो जावे, जेल चला जावे, दंड पाले वे, खुद के द्रव्य प्राणों का घात हो, खुद के चेतन प्राणों का घात हो, अपने मम्मी पापा के चेतन प्राणों का और द्रव्य प्राणों का घात हो, इंसल्ट फील हो, सारे छापा में छप जाए, सारी दुनिया फ्रेंड सर्कल में बदनाम हो जाए, सारी जिंदगी क्या है, ओए चोर की औलाद। मैंने ऐसे सुनना पड़े, लेकिन होश नहीं रहता। समझ में आ गया? क्रोध के वशीभूत होकर के चोरी कर ले, मेरी तुम्हारी लड़ाई हो जाए, अब क्या किया जा सकता है, बदले लेने की कार्यवाही में ठीक है, कोई चीज भूल जाओ फिर देखता हूं। क्रोध के वशीभूत होकर के चोरी का मन करे भी, कौन की बात चल रही है, चोरों की नहीं चल रही है, मैंने चोरों वाली बात नहीं चला रहा हूं, जो चोर और डकैत है उनकी बात नहीं चला रहे, हमारा आपका मन भी क्रोध के वशीभूत होकर के, जैसे तीन भैया हो, छोटे तीन भैया, और किसी बात पर झगड़ा हो जाए, झगड़ा तो काय का भाव आएगा इनको आपस में, चुपचाप इसकी बस्ते में से कॉपी गोल कर दो, इसका पेन चुरा लो, ये बहुत ज्यादा शान दिखाता है अपने डॉल की, इसकी डॉल गायब कर दो, नहीं हो जाता है क्या, इसकी नई रबर आई है 2-5 दिन में अपने आप गायब हो गई, वो कैसे गई? मैंने कहीं का बदला चोरी के वशीभूत होकर के मन वचन काय का व्यापार करके उसकी चोरी कर ली, क्रोध के वशीभूत, मान के वशीभूत होकर के, इस डिजिटल कैमरे के बिना मेरी इज्जत क्या होगी, मान समझ गए, और कोई की बात नहीं चल रही, ध्यान रखना अभी हमारी आपकी बात चल रही, हम भी मान के वशीभूत होकर के क्या नहीं कर सकते, ठीक है थर्ड पार्टी की नहीं चोरी करते होंगे, लेकिन सेकंड पार्टी तो घर में भी हो सकती है, अभी दिखाएंगे सब, थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे, धीरे धीरे दिखाएंगे, चोरी का पार्ट थोड़ा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, मैं सबको चोर सिद्ध करूंगा। अभी धीरे धीरे आ रहे, ध्यान से सुनना भैया, आज बहुत जोरदार पार्ट है आज का, महीनों के इंतजार के बाद ले पा रहा हूं मैं, बहुत मुश्किल से, समझने जैसी बात। देखो चोरी की बात फिर से बोलना जरा, परिभाषा क्या बताई थी, प्रमाद कसाय, प्रमाद एटले कसाय, प्रमाद एटले कसाय, चार कसाय के वशीभूत होकर के मन वचन काय की वृत्ति में पर पदार्थ। अब दूसरों की वस्तु देखो, स्वर्ण वस्त्र आदि, दूसरों के स्वर्ण वस्त्र आदि परिग्रहण ग्रहण करे छे,
तेने चोरी जानवी जोईए अने तेज बदनू बदनू कारण होवाती हिंसा छे। मैं फिर से पढ़ता हूं, आप्या बिना स्वर्ण वस्त्र आदि दस प्रकार का परिग्रह, स्वर्ण वस्त्र आदि माने दस प्रकार का परिग्रह, आप्या बिना दिए बिना। अब इसको समझो जरूर, इसमें मल में है बस, पिताजी देना नहीं चाहते हैं और बेटा ले लेना चाहता है, चोरी है। सास अपना सोना बहू को देना नहीं चाहती है क्योंकि उसे मालूम है सब लोग पैसा ले लेंगे, प्रॉपर्टी ले लेंगे, इसके बाद कोई केयर भी नहीं करेगा, खाते खाने पीने की, समाधि की, घर में बोझ हो जाएंगे। थोड़ा सुनो ध्यान से, गवर्नमेंट जिसमें अपन कहते हैं शराबी कबाबी लोग हैं, अनैतिक लोग हैं, अनैतिक लोग, लेकिन उन शराबी कबाबी अनैतिक लोगों ने भी इतना अच्छा कानून पास किया कि आपने देश की सेवा बहुत कर ली है, 60 बरस आपके हो गए हैं, अब तो आप रिटायर हो जाओ, अब आपकी अंतिम जिंदगी बची 60 के बाद, 10 20 25 जितना बची होए, तब तक आप धर्म ध्यान करो, पूजा पाठ करो, जो तुम्हें दिखे सो करो, देश के लिए कोई काम मत करो, आप कोई सेवा नहीं, कोई नौकरी नहीं, और आपको हाफ पगार माने जितना रिटायरमेंट के टाइम वेतन हो उसकी हाफ आपको मिलती रहेगी। माने इतना तो उस गवर्नमेंट ने किया है जिसको हम अभी अच्छा नहीं कहते हैं, शराबी कबाबी लोग बैठ के जो पार्लियामेंट चला रहे हो, कदाचित इसलिए कह रहे हैं, कोई जरूरी नहीं सभी शराब पीते हों, मेरा मतलब उन्होंने भी अपने बुजुर्गों के लिए ये तो सोचा, कर्मचारियों के लिए कि 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाओ, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो आप, 20-25 साल हो गए, आप अपना आत्म कल्याण करो, हम आपको पैसा देंगे। हम उस बेटे को क्या कहें कि 60 साल के बाद यदि माँ चौके में काम ना करे और पिताजी दुकान और मिल और फैक्ट्री में काम नहीं करें 60 की उम्र में, 60 की उम्र के बाद तो बोझ लगने लगता है। जिन्होंने आपको करोड़ों की प्रॉपर्टी और बारसा दिया हो, तुम्हें एक सुंदर पति दिया हो, मुझे जब सुंदर पति की बात आती तो थोड़ा एक बात बता रहा हूं आपको, एक पुस्तक है बनीता बोधनी, बहुत पुरानी पुस्तक है, 100-150 साल पुरानी बनीता बोधनी एक पुस्तक है, उसमें लिखा है बहुओं के लिए, हे बेटा तुम अपने पति से खुश हो कि नहीं हो, आज यदि तुम अपने पति से संतुष्ट हो, उसके स्वास्थ्य से, उसके संस्कार से, समझ में आया, उसकी शरीर की सुंदरता से यदि आप प्रसन्न हो, तो यह सारा उपकार अपने सास ससुर का जानना, जो कमाता हुआ पति दिया है, संस्कारी दिया है, यदि वो शराब पीकर आता तो तुम्हें सारी जिंदगी कितनी तकलीफ होती, वो बदबू कैसे बर्दाश्त करनी पड़ती, वो परिस्थिति सेवन करता होता, जुआ खेलता होता, कुछ और शिकार आदि करता होता, बेस्या सेवन करता होता, तो तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाती। आज तुझे यदि सुंदर सुशील स्वस्थ संस्कारी पति मिला है तो ये अनंत उपकार अपने सास ससुर का जानना, ऐसा जानकर उनकी सेवा में जी मत चुराना, ये उस बुक में लिखा है बनीता बोधनी में। क्या 25 साल बच्चे को बड़ा करने में माँ बाप को कितनी मेहनत लगती है, एक एक दिन रोता है, ए बीड़ी नहीं पीना, ए गाली मत देना, ए खबरदार तू भाग गया, ए गंदे गाना नहीं गाना, ए डीजे नहीं चलाना, माने माँ कितनी पिसती है बच्चे से, बच्चे को सुधारने में माँ कितनी पिसती है, समझ गए, माने कितना कष्ट उठाती है। और इतना सुंदर सुशील स्वस्थ पति देने के बाद यदि बहू अपने सास ससुर की बात नहीं मानती है तो बहुत कृतघ्नी है, हो नहीं कृतघ्न, कहीं लिखा है, कहां लिखा है, हो नहीं कृतघ्न कभी मैं द्रोह न मेरे हो रहा भाई, बहुत जिम्मेदारी है भैया, बहुत जिम्मेदारी है। और नहीं तो वो उस समाज सरकार से भी गए बीता है वो लड़का और बहू जिन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टी दी है और आप उन्हें मरते समय तक नमोकार मन नहीं दे सकते, प्रेम से रोटी नहीं खिला सकते, माने इससे बड़ी अनैतिकता दुनिया में दूसरी नहीं हो सकती। मैंने एक दिन कहा था डकैत भी अपने भाई को डकैती नहीं करता, एक डकैत भी अपने पिता के घर में डकैती नहीं करता, लेकिन आजकल के बेटा बहू तो अपने नहीं जैन समाज के नहीं कह रहे मतलब अपन,
जैन समाज में भी हो तो भाईंदर में नहीं है ऐसे। माने क्या गजब बात है, कितनी बड़ी मॉरल इमोरलिटी है, मॉरल फॉल है। माने वैल्यूज कहां चली गई है, मॉरल पता नहीं लगता। माने अपने सगे भाई की संपत्ति हड़प लेना चाहे, वो यदि सीधा साधा और विश्वास करता हो तो विश्वासघात करके चोरी करे। विश्वासघाती महापापी लिखा है, पर विश्वास घात नहीं कीजे। पर का विश्वास, भैया ने ये विश्वास करा, हमारे बड़े भैया हैं रामचंद्र जी की तरह हैं, और आपने पैसा प्रॉपर्टी दबा ली, सोना दबा लिया, फला फला अच्छी अच्छी चीजें थी, वो मकान दुकान बंगला वो अपने नाम कर लिया, भैया रह गया। भैया रह नहीं गया, तुमने अनंत पाप किया है। तुम्हें एक इंद्री दो इंद्री में जाने का काम किया है आपने, जहां प्रॉपर्टी नहीं मिलती, जहां सुख सुविधा नहीं मिलती, नरक निगोद का काम किया, ऐसा गड़बड़ काम है बिल्कुल। समझ आया भैया? आज मैंने पहले ही गुरुदेव ने जो गाथा सुनाई वो पहले सुना दी, जिनवाणी सुनने का लायक कौन कौन है भैया? थोड़ा विचार करना अच्छी तरह से, एक ही काम नहीं करना, अरे अपने बाजुओं में दम रखो, अपने ब्रेन का विश्वास रखो, और अपने गुड लक पुण्य पाप का भरोसा रखो। संपत्ति आपके चरणों की चेरी होती है। जैनी किसको कहते हैं मालूम है? जैनी किसको कहते हैं भैया? जैनी की बात कर रहे हैं, अन्य की तो अभी नहीं करता हूं। जैनी कहते हैं, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सारिखे भोग, काग बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं? कौवा के बीट, कौवा के बीट समझते हैं, बीट बीट कौवा की लेटरिंग। हाँ, गाय का लेटरिंग तो काम में आ जाता है, थोड़ा बहुत लोग यूज कर लेते हैं उसको, जलाने में इसमें उसमें काम करते हैं, नॉन जैन, जैन नहीं करते। लेकिन कौवा की तो कोई को पसंद नहीं आती। अरे रे रे रे, सम्यक दृष्टि माने जैनी लोग, सम्यक दृष्टि को जैनी कहते हैं भैया, जैनी सम्यक दृष्टि कहलाता है, ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं भैया, अरे एक पैसे पे भी नियत खराब नहीं करना, एक परमाणु मात्र में भी जिसको प्रीति होती है वो सम्यक दर्शन से वंचित रहता है, पढ़ लेना। अणु मात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, ऐसा गाथा है, उसने समय के सार को नहीं जाना, आत्मा को नहीं जाना, नहीं जाना, ऐसे लिखते हैं। आगे चले, थोड़ा और आगे चले, और आगे चले, मैं तो जल्दी जल्दी रेफरेंस देके आगे बढ़ना है मुझे, क्यों चोरी के प्रकरण बढ़ा है और आज और कल में हर हाल में पूरा करना है अपने को। ऐसे सुनो, ऐसा काम नहीं करना। नंबर एक, पंडित जी ये चोरी तो अब नहीं करेंगे, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, ये मॉरलिटी है। आप यदि उनसे संपत्ति लेते हैं तो आप उनकी सेवा करने के हकदार हैं, और नहीं तो फिर एक काम नहीं है, वो इतना पैसा किसी को भी देते ना तो जिंदगी भर ओबलाइज होकर सेवा कर देता। इतनी संपत्ति किसी को दे देते ना, किसी को भी, गरीब को, सामान्य व्यक्ति को, वो जिंदगी भर गुण गाता और जिंदगी भर सेवा करता। ऐसा नहीं करना भैया, नंबर एक। अभी नंबर दो की बात करें, चोरी की बात चल रही ना, परिभाषा याद है, प्रमाद सहित कसाय सहित मन वचन काय, ध्यान रखना। अभी मैं मन की चोरी बता रहा हूं, क्योंकि दिगंबर जैन है तो चोरी फिजिकली तो नहीं करते ज्यादा, जो करते थे उसकी थोड़ी खुलासा कर दी, और थोड़ी बहुत और बची उसे ही बताऊंगा, बची है अभी उसे और बताऊंगा, लेकिन अभी मैं दूसरी बात बताना चाह रहा हूं थोड़ा। देखो, जब तक अपन मन से त्याग नहीं करते ना, त्याग तो मन चला करता है, करते नहीं है हम, लेकिन चोरी करने वालों को भागशाली मान बैठते हैं, चोरी करने वालों को इंटेलिजेंट तक मान लेते हैं। जैसे दृष्टांत दूं, स्टूडेंट्स जितने होते हैं उनमें 90% की बात कर रहा हूं, वैसे 100 भी हो सकता है लेकिन 90 कह रहा हूं, भाई यही चर्चा करते रहते हैं। मालूम है, एक बार मैं बॉम्बे से दिल्ली तक बिना टिकट गया था। माने इसी की महिमा, एक बार मैं पूना तक गया था, एक बार मैं फला तक गया था, और मेरे पीछे टीसी पड़ गया, उसको डाउट हो गया, मैंने उसको ऐसे करा, फिर मैं ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर मैंने उसको ऐसे घुमाया और घूम गया वो। एक दो घटना सुनाता हूँ आपको। ऐसी एक आदमी ने, जैसे टीसी आया ना, टिकट टिकट टिकट, तो बड़ा मूछों वाला रोबदार चेहरा था, थोड़ा बड़ा,
तो जूता खोलने लगा, जूता जूते सूच के वो खोलने लगा, क्या बोलते हैं लेस, हाँ लेस खोलने लगा। तो बोला टीसी, बोला भाई टिकट दो ना, बोले दे तो रहा हूं खोल तो लू, नहीं समझ में आया समझ आया कि नहीं आया, माने उसकी कहने की स्टाइल ऐसी थी मानो वो जूता उतार के मारेगा, लेकिन वो घुमा रहा था, समझ लीजिए, बताना तो ये चाह रहा था जैसे मानो जैसे जूते के अंदर टिकट रखा हो, कोई जूते में टिकट रखे, लेकिन एक कई जगह के लोग तो ऐसा कहते हैं भिंड और ग्वालियर के नाम से तो भैया टीसी पूछते ही नहीं टिकट, यदि आप बोल दो चंबल डिवीजन के हैं हम, चंबल के तो डाकू फेमस हैं, मैंने इससे ही गौरव मानते हैं, बताओ आपको खबर नहीं पड़ती आप चोरी करें कि नहीं करें, आप बिल्कुल चोरी नहीं करें, विदाउट टिकट कभी नहीं चलें, लेकिन ऐसी वार्ता सुनकर हर्ष भी होता है, इंटेलिजेंट भी मानते हैं और आप यदि इसका गौरव भी मानते हैं तो आपको चोरी होती है, क्यों, क्योंकि कसाय सहित तेरे मन की वृत्ति का नाम चोरी है। आया समझ में आया, दो व्यक्ति मिलकर के बातें कर रहे थे कि मालूम है रेल में टिकट कैसे बचाया जाता है, हम बोले दो लोग हैं और एक टिकट खरीदते हैं और जब टीसी आता है ना तो हम दोनों लेटरिन में घुस जाते हैं और जब टीसी पूछता है टिकट टिकट तो हम एक टिकट दिखा देते हैं तो वो चला जाता है, कितना बढ़िया स्टाइल है। दो जनों ने सिखाया ये दूसरों को, तो उन्होंने बोला जी बढ़िया तरीका है अपन भी ऐसे ही करेंगे, तो उन दोनों ने भी ऐसे ही किया, एक टिकट खरीदा और दोनों अब चार जने हो गए रेल की बोगी में, तो अब दो तो इधर घुस गए, दो और उधर भी घुस गए होंगे समझ लो, इतने में टीसी आया, तो अब वो जिसने सिखाया था वो बाहर रह गया, जिसने सिखाया वो बाहर रह गया, तो जो अंदर घुस गए थे तो इसने भी अकल चलाई, थोड़ी अकल चलाई इसने, जो बाहर रह गए थे टिकट तो था नहीं उनके पास, सब बाहर रहा, उन्होंने कहा टिकट टिकट, तो उन्होंने अंदर से टिकट दिखाया उसे छीन के रख लिया, समझ में आया माने हे भगवान तुम अपना दिमाग एक 10 50 100 200 रुपए टी के लिए कैसे घुमाते हैं, जोक के नाम पर घुमाते हैं, सिखाने के नाम पर घुमाते हैं, यदि हम अमृतचंद स्वामी की भाषा में कहें तो पहली गाथा परस्पर में आचार्यत्व करते हैं, मैंने एक गंदी कथा मैंने तो दो सुनाई है आपको, आपको सड़कों पर हजारों ऐसे मिलेंगे लोग, मैं एक बात कहता हूं आप जिस दिन चोरी करें ना जितने रुपए की भी तो आप हमेशा ये लिख लें अपनी डायरी में आज मैंने 200 रुपए में अपना केवल ज्ञान ठुकराया, आज मैंने 5 लाख रुपए में भगवान पना छोड़ा, प्रभुता छोड़ी, सर्वज्ञता छोड़ी, अनंत चतुष्टय छोड़ा, लिखो आप रोज जिस दिन आप चोरी करें उस दिन लिखो आप, मुझे बहुत नफरत है, सख्त नफरत है, सख्त इतनी सी चीज से नफरत है मैं क्या बताऊं, मैंने आग लगती है ऐसे समझो आप बिल्कुल, मैं चोरी क्या गजब है, और सुनाना पड़ेगी, जब तक आप चोरी का त्याग नहीं करते, जिस दिन दंगा होता है उस दिन दिगंबर तक चोर हो जाते हैं, जिस दिन दंगा हो जाता है ना कोई, जिसको मैं देखता था मेरे दिगंबर जैन लोग तक 92 में जब दंगा हुआ था 92 का अयोध्या कांड के चक्कर में, हंस हंस के लोग अरे चलो जूते का नाप ले लेकर के पहनेंगे अपन, समझ गए, जूते की दुकान लूट ली, अरे तुमने एक दो तीन जोड़ी जूते चुराए कि नहीं चुराए, लेकिन तुमने पता ही नहीं लगाया कि तुमने पूरी जिंदगी के लिए कलंक अपने छाती पे लिख लिया, और जिंदगी भर मजा लेते हैं उस बात का, जे मन की चोरी, मन की चोरी, अनुमोदना की चोरी, अरे भैया मजा आ गया, सिंधी की दुकान लूट ली, फला की दुकान लूट ली, हम तो गए और बढ़िया निकाल निकाल के देखे सबसे बढ़िया जूता, सबसे कीमती जूता, मैंने ऐसी बातें कर रहे हैं आप जिंदगी भर, आपको मालूम नहीं है द्रव्य से तो आप केवल 100 200 500 1000 रुपए चुरा पाते कि नहीं चुरा पाते, लेकिन भाव से अनुमोदना करने से अनंत चोरी का पाप लगता है, अनंत, आप अनंत काल दरिद्र रहेंगे, आपके पास इतनी प्रॉपर्टी और फैसिलिटी नहीं होगी त्रियंश गति में कि कोई चोरी कर सके, आपको खबर नहीं है इस पाप का फल, वो हो जिन्हें एक इंद्री दो इंद्री पर त्रियंश में जाना हो बे ही चोरी करें, बाकी कोई ना करे जिंदगी में, और सुनोगे और सुना दूं,
जब तक आप त्याग नहीं करते, पांच पापों का एक देश त्याग नहीं करते, आपके मन में उसके प्रति अभिप्राय बैठा रहता है, कभी प्रसंग आने पर आप कर बैठते हैं। हम तो कहते हैं भैया जॉब करने से पहले प्रतिज्ञा करो। जॉब करने से पहले मैंने जब 21 साल की उम्र में जॉब ज्वाइन किया था कॉलेज का, मैंने मंदिर गया सबसे पहले, जाते तो रोज ही, उस दिन प्रतिज्ञा की पहले नंबर, यदि मैं स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो मैं रिजाइन करके आ जाऊंगा, यदि मैं स्टूडेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो मैं सरकार का एक पैसा नहीं लूंगा, प्रतिज्ञा करके गए थे। माने आप क्या समझते हैं भैया, आप तीन लोग के नाथ की मीटिंग में बैठे हो, तीन लोग के नाथ बनने बैठे हो, आप चार गति की गलियों से निकलने आए हो इधर पर, बहुत ऊंची सोच के साथ जियो। बाबूजी की भाषा में तो कहें ऐसी परिणति हो आसमानी, तेरी परिणति आसमानी हो, आसमानी आसमान को छूने वाली हो, मुक्ति को स्पर्श करने वाली हो, जिससे परिणति हो आसमानी, माँ सुनाओ वो गाथा सुहानी। सुना गीत? नहीं सुना? आपके यहां तो सुना ही नहीं ना कभी? नहीं सुना? फिर कभी देखेंगे, अभी नहीं। हा हा हा, माँ सुनाओ वो गाथा सुहानी, जिससे परिणति हो बीत रागी, जो तीर्थंकर जो जो अच्छा तीर्थंकर विरह को भुला दे, सीधे सीधों से संगम करा दे, जो साधु समागम करा दे, निज धर्म के मरम को बता दे, जिससे परिणति हो आसमानी, माँ सुनाओ वो गाथा सुहानी। भैया अपन तो ऐसे भीगी परिणति वाले हैं, खरे खर कह रहे हैं पुनः, और ऐसे ही जीप चाहिए अपने को बिल्कुल। चोरी? अरे रे, कल छापा, चोरी हो गई, चोरी सराफे में, और दो और अखबार में लिखा है कि वो पुलिस केयरलेस है, कोई सबूत नहीं है, और जिन्होंने चुराया माल उन्हीं का। सही बताओ, अखबार पढ़ते समय आपका मन क्या करता है, क्या करता है आपका मन, बोलो। यदि ये रिपोर्ट मिले समाचार में कि चोरी हुई, डकैती पड़ी हुआ, डकैती का है कि मैंने दोपहर में दंगा हुआ, दंगे में जो लूट ले गए सो ले गए बस, अब पुलिस भी केयरलेस, कुछ नहीं होगा। और गजब बात तो है कि 2 बजे लूटी और 1:55 पर आप वहीं थे, और जिस दुकान का फोटो छपा है ना लूटने में, उसी दुकान के बाजू में बाहर आप खड़े थे, देखो गजब। बोलो क्या मन होता है आपका? अब जो मन होता है ये बताता है कि आपको चोरी का त्याग नहीं होने से आपको चोरी की अनुमोदना चल रही है, चल रही है। आप करें कि नहीं करें, आपको चोरी की अनुमोदना चल रही है अभी तो। इसलिए हम त्याग की मुख्यता करते हैं, आप बुद्धिपूर्वक नियम लो, 5 अणुव्रत का नियम लो, हम नहीं करेंगे। मैं और अभी और दिखाता हूं और सुना देता हूं, चोरी बहुत बहुत है बहुत। अभी सभी को एक एक कॉपी बांटी जाए, कॉपी किसके लिए बांटी जा रही है? लिखने के उद्देश्य से, लिखने के उद्देश्य से। हम में से 90% ऐसे होंगे जो कहो लिखे तक नहीं, एक आध पाना लिखे तो लिखे, नहीं तो कहो ना भी लिखे, और बाद में कहो यहां छोड़ जाए, घर में चली जाए, अथवा तो साथ में आई हुई कॉपी के साथ एक पेन ज्यादा अच्छा लगता है, पेन तो दबा के चले जाते हैं और कॉपी ले जाए कौन, और ज्यादा ही हुआ तो फिर कॉपी में दूध का हिसाब लिख लिया, सब्जी का हिसाब लिख लिया। इसीलिए दिया था मंदिर के पैसे से, गुल्लक के पैसे से जो कॉपी बटी है, किस उद्देश्य से दी गई थी? जिनवाणी लिखने की सहूलियत के लिए, या दूध पानी सब्जी का हिसाब रखने के लिए, या आपके बच्चे को रबर करने के लिए? यदि आप जिनवाणी लिख सकते हो तो आप लेने की मॉरलिटी है आपकी, और नहीं तो आप चोर हैं। 2 रुपट्टी की चोरी करी है आपने, 5 रुपए की चोरी की है आपने, चोरी है। जिस उद्देश्य से जो वस्तु ली गई उस उद्देश्य में प्रयोग नहीं करने का नाम भी चोरी है।
इसका नाम है प्रमा सहित योग की प्रवृत्ति। और बता दूं मैं, बोलो, हम पंच कल्याणक में जाएं, शिविरों में जाएं, भोजन करें और पिक्चर देखने चले जाएं, चोरी है? आप भोजन करने के अधिकारी नहीं है। भोजन करने की सुविधा कौन के लिए थी पंच कल्याणक में? किसके लिए थी? जो कार्यक्रम अटेंड करें, प्रवचन सुने। आप शिविर में आए, मार्केटिंग करने चले गए। आपने बहुत गलत काम किया। मेरे पास पिछले बहुत सालों से, कम से कम 20 साल से, लगभग 19 साल से कोई ना कोई भाई संग रहता है मेरे साथ, लेकिन आप देख लेना, स्ट्रिक्ट है एकदम। कोई बंबई घूमने नहीं जाएगा, कोई कहीं घूमने नहीं जाएंगे, कोई मार्केटिंग करने नहीं जाएंगे। क्यों? ये समाज के साथ विश्वासघात है। समाज ने रोटी और आवास इसलिए नहीं दिया है कि आप यहाँ पर सस्ता माल मिलेगा तो खरीद कर अपने दुकान पर बेचो। मैंने स्पष्ट कह दिया, आप अगली बार आना, अपने उतारा की व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था करना, फिर मार्केटिंग करना। हम कोई पिकनिक सैर सपाटा नहीं करेंगे, और तुम करोगे तो उसका पाप मुझे भी लगेगा। क्यों? समाज तो मुझ पर भरोसा करती है, मैं बिल्कुल नहीं करने देंगे। मैंने 1% भी अनुचित काम, ये चोरी है भैया। जिस उद्देश्य से रोटी दी गई है, अब ये बहुत कठिन बात बता रहा हूं, जिस उद्देश्य से रोटी दी गई है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, सामायिक करो, स्वाध्याय करो, सत्संगति कराओ, धर्म की प्रभावना करो, लेकिन उसकी आड़ में हम अपने 5 इंद्रिय का विशेष सेवन करते हो, हम आपके कंप्यूटर का मिसयूज करते हो, हम आपके मोबाइल का मिसयूज करते हो, आपके फैन को चला करके आराम से 4-4 घंटे सोएं, चोरी है, चोरी है। समाज ने यदि रोटी दी है तो केवल आत्म कल्याण के लक्ष्य से दी है, मिसयूजिंग के लिए नहीं दी। कैसी वस्तु का दान देना, अब दान की बात भी ले लेता हूं थोड़ा सा आपको, चोरी का मतलब बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। चोरी 170 नंबर की गाथा है, 170 सुनना ध्यान से। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी हमको ये भी नहीं मालूम कि पंडितों को, विद्वानों को, ब्रह्मचारियों को, मुनिराजों को क्या देना चाहिए। मैंने एक साथ नाम बता दिए सबके, देना चाहिए दान में। सुनो 170 नंबर की गाथा, जे द्रव्य राग द्वेष असंयम, ए नाम नहीं बताया क्या देना और क्या नहीं देना, नाम नहीं बताया क्या देना कि नहीं देना। सुनो, यदि ब्रह्मचारी कपड़ा पहनता है तो ऐसा कपड़ा देना जिससे उसे राग उत्पन्न हो जाए, ऐसा कपड़ा नहीं देना कि जिससे कारण से उसके और साथ में रहने वालों को द्वेष हो जाए। इनका बहुत पुण्य का उदय है, इन्हें अच्छा अच्छा कपड़ा दे देते हैं, हमारे लिए नहीं मिलता ऐसा कपड़ा, इन्हें चमकीला इतना जोरदार साल दे दी, हमें नहीं दी। ऐसा कपड़ा नहीं देना जिससे राग अथवा द्वेष उत्पन्न हो जाए। पेन देते हो तो सोना चांदी, एक बार कोई हमारे पास आए, पंडित जी एक सोने का पेन देना है आपको। मैंने कहा आपको पता है 170 नंबर का था, हम सोने का पेन का क्या करेंगे, एक तो जिंदगी भर लिखेंगे नहीं और परिग्रह की तरह संभाले रखे फिरेंगे, और जितने हमारे भाई लोग हैं हमेशा उसकी नजर वहीं रहेगी, सोने का पेन यहां रखा है। एक बार हमारे पंडित साहब को एक ब्रह्मचारी भाई ने एक लकड़ी की नई प्रकार की रेह लाई, पेटी टाइप की, उसी में खोल के बन जाती थी, ऐसे बंद हो जाती थी, नई थी लकड़ी की, अच्छी सुंदर, बहुत सुंदर नक्काशीदार, तो लाई तो पंडित साहब ने ऐसे रख ली और स्वाध्याय करने लगे। अब जो कोई आए, ना तो कोई शास्त्र देखे और ना पंडित साहब को देखे, कहां देखे, क्या थी आई क्या थी मड़ी उन्होंने पंडित साहब ने थोड़ी देर बाद स्वाध्याय बंद करके वो पेटी उठाई, भैया ये तुम ले जाओ, ये हमारे लायक चीज नहीं है, हम नहीं चाहते कि जिसे देखने के बाद लोग जिनवाणी देखना बंद कर दें, हम नहीं चाहते जिसको देखने के बाद इतनी इमोरलिटी आ जाए कि हमारे गुण दिखाई ना दें उसे। क्या लिखा है पढ़ो तो, राग द्वेष असंयम, असंयम। मेरे से बोले लोग, पंडित जी एक मोबाइल हम आपको देना चाहते, बहुत लोगों ने ऑफर किया, मेरे एक मोबाइल आपको देना चाहिए। मैं, आप क्या समझ रहे, मोबाइल मैं नहीं खरीद सकता, आप समझ क्या रहे हो, नहीं पंडित जी आप रख लो तो हमें कभी कभी आपके प्रवचन सुन लिया करेंगे लाइव। मैंने प्रवचन लाइव मत सुना करो, जिनवाणी पढ़ना सीखो और साक्षात सत्संग करना सीखो,
प्रमादी बनना मत सीखो। मोबाइल के प्रवचन कैसे सुनते होगे, भगवान ही मालिक है। कहां बैठ के सुनते होगे, खबर नहीं पड़ती होगी। क्या पहने बैठ करते, क्या करते होगे हमें नहीं मालूम। असाधना करना, देखो क्या लिख रहे हैं, असंयम मद दुख भय, ऐसी चीज नहीं देना जिससे भय उत्पन्न हो जाए। करतु न थी अने उत्तम तप तथा स्वाध्यायनी वृद्धि करनार छे तेज देव योग्य छे। क्या चीज देने लायक है? उत्तम तप और स्वाध्याय बढ़ाए वो। इसमें कुछ नहीं लिखा खाने में क्या देना, आहार दान में क्या देना, ये नहीं लिखा। ऐसा आहार देना जिसको जिससे ब्रह्मचारी की तबीयत नहीं खराब होए, जिससे ब्रह्मचारी का सामायिक नहीं बिगड़े, प्रमाद नहीं आए, नींद नहीं आ जाए, वो प्रमादी आलसी नहीं हो जाए, ऐसा भोजन देना जिससे उसका तप और स्वाध्याय की वृद्धि हो। हमें तो ऐसा लगता है भैया हमारे घर में तो जिंदगी में एक बार आए हैं तो मैसूर पाक खवा ही देने, और थोड़ा बनवा ले दो चार आइटम और क्या क्या, कचौरी पकौड़ी और नई चीज। अरे भैया तुम्हारे लिए तो एक दिन है लेकिन हमारे लिए तो 365 दिन ही है। बहुत समझना भैया, क्या आहार में देना, क्या आहार में देना। अब 50 बादाम घोटी और ठंडाई के नाम पर लस्सी, क्या बोलते हो ठंडाई, अरे 50 बादाम मारोगे। और मेरा तो इतना पुण्य का होता है कि मुझे बहुत डर लगता है। एक बार सच्ची घटना हुई, मुझे सर्दी हो गई जुखाम, दिसंबर के दिन थे दिसंबर का, तो मैंने उनसे कहा 4 काली मिर्ची, 1 लौंग, इतनी सी सूट, ये थोड़ा सा उबाल के मेरे पानी में दे देना। अब पंडित जी का तो इतना पुण्य का होता है कि 1 लौंग क्या होती है, 8-10 तो कम से कम हो इतना पुण्य का होता है भयंकर, और इतनी सी काली मिर्ची तो सिलबट्टा पी रह जाएगी, और इतनी सी सूट से होता है क्या है? अब वो हमें तो पता नहीं, हमने तो जितना बोला था उतना ही समझा हमने। उन्होंने भेज दी भैया आधी गिलास, अब पहला घूट पीते से ही सर्दी भाग गई मैंने आपको विश्वास नहीं होगा, दिसंबर की ठंड थी, दिसंबर की ठंड, अब जूठी हो गई, गटर में फेंकूं तो जी मरेंगे, तो गटर में भी नहीं डाल सकते, किसी और को भी नहीं दे सकते। तो पी गए तो ये बटन खोलने पड़े मुझे चलती कार में, शाम को 7 बजे 6 बजे, इतनी गर्मी निकली। मैंने क्या कहें आपको, क्या देना, उत्तम तप और स्वाध्याय की वृद्धि करनार्थे तेज देवा योग्य छे। लगा लेना कैसा आहार, कैसे वस्त्र, कैसी और सामग्री। मैंने लोग तो झट जाते, पंडित जी एक कंप्यूटर देना चाह रहे, ये तो कंप्यूटर हम क्या करेंगे भैया। और कंप्यूटर में से मान चलो हमने खूब तुमने कहा सीडी सुनना, और सीडी सुनते सुनते एक आध वीडियो गेम खेल लिया तो हमारे पाप का फल काम हो गएंगे हम। भैया अपन को तो बहुत डर लगता, आपको पता नहीं लगता, ब्रह्मचारी व्रति त्यागी, आगे तो मैं नहीं कहता हूं, मैंने अब समझ लेना कि जो अपने 5 इंद्रिय के विषय सेवन का करते हो, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट बना करके आराम से रहते हो, ये चोरी नहीं तो क्या होगी। असंयम का पोषण होता हो, ये चोरी नहीं तो क्या होगी। देखो पढ़ो तो जाने क्या लिखा है, दान का सदुपयोग और दुरुपयोग, पंखा ले लेवे दान में, कैसे पंखा ले लेवे दान में भैया, असंयम का हेतु है। देखो पढ़ो आप इसे, मैं तो कहता हूं समाज से क्या लेने लायक है ये रिपोर्ट इसमें से देखो, और समाज क्या दे, समाज को दान में क्या देना चाहिए ये पढ़ो 170 नंबर की गाथा में, बहुत अर्थ करना, मैंने बहुत शॉर्ट में बोला अभी। हा चले आगे, अभी चोरी की बात पूरी नहीं हुई, चोरी चल रही है बाबा, और सुनाए चोरी थोड़ी बहुत। हमारे मंदिर में आप भी कह सकते पंडित जी आप भी चोरी करते हो 1 घंटे का प्रवचन 1.25 घंटा खैर आज तो लेट शुरू हुआ है, लेकिन अब कल ही सुनाए होंगे, अब क्या करें, बहुत कहना है अभी कुछ कहा ही नहीं है, समझो अभी कुछ नहीं कहा है। और फिर भी आप कहो तो जाते जाते आपको थोड़ी सी खुराक देता हूं, बहुत कड़क है, चुभने वाली है, बिल्कुल चुभने वाली। देखो वैसे चोरी डकैती की तो बात नहीं हो सकती, लेकिन मन वचन काय की जो बात चल रही है उससे समझना आप। और सबसे गजब बात तो यह है कि हमको उसका अंदाज तक नहीं कि हम चोरी करते हैं, अंदाज तक नहीं उस चोरी का। आप सड़क पर
सींग खरीदते हो सिका हुआ, जब तक वो 50 ग्राम तोलता है आप 1-2-3 खा जाते हो। माने इसमें हमें लगता ही नहीं कि हम, यदि वो 3 मूंगफली कम दे, जरा सा कांटा ऐसा रह जाए, तो आप उसे फौरन चोर ठहराओगे, ए 420 करते हो, कांटा ऐसे है, तो तुमने 3 खाई उसको हिसाब नहीं है तुम्हारे पास, नहीं गलत कहते हो तो बोलना आप। यदि दूध वाला कभी आप पर विश्वास करता है कि सेठ जी नाप लो, सही बताना आप नापने के नाम पर क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं आप? आप 2 लोग दूध पी रहे हैं, दूसरे के गिलास में दूध डालना शुरू करा तो अरे बहुत हो गया बहुत हो गया, अपने गिलास में अभी तो इतना सही लिया है, अपने गिलास में इतना सही लगता है आपको? मैं तो हमेशा कहता हूं भैया 25-50 पैसे का झगड़ा है जैनियों के घर में, बस ज्यादा बड़ा झगड़ा नहीं 25-50 पैसे का। एक पत्नी अपने पति के गिलास में मलाई डालती है, एक बार नहीं जिंदगी भर। और ऐसा कैसा न्याय है, कैसा प्रेम और वात्सल्य है कि देवर के लिए दूध तो उसे भी देती है लेकिन मलाई का टुकड़ा नहीं जा सकता। तो कितने पैसे का डिफरेंस पड़ता होगा जी, कितने पैसे का डिफरेंस पड़ता होगा? अब इतनी सी बात के लिए घर का बंटवारा हो जाता है, इतनी सी बात में सगे भाई में प्रेम खत्म हो जाता है, और फिर जिंदगी भर एक दूसरे को कंप्लेंट करते हैं, पूरी जिंदगी माथा पूटते हैं। सुनो, जब आप यदि ऐसा कर सकते हो, इसीलिए आप पीहर जाने पर दुखी होते हो। क्यों दुखी होते हो? कि मैं थी तो मलाई दे देती थी, जिठानी थोड़ी देती होगी, तो क्यों देगी, देरानी क्यों देगी, जब आपने नहीं दिया ना, आपने नहीं दिया तो आपके घर जाने पर अब आपको भी यही तकलीफ। यदि आप बाई दबे किसी एक्सीडेंट में मर रहे हो तो आपको अपने बच्चों की यही सल्ले रहेगी, मैंने इनके बच्चों को कभी बड़ा आम नहीं दिया, अब मेरे बच्चों को छोटा आम खाना पड़ेगा। तो आपने ऐसा किया क्यों? बद्दा भगवान छो, तुमको उन बच्चों में भगवान क्यों नहीं दिखता? अपने बच्चे ही तुझे भगवान दिखते हैं, वो भगवान नहीं दिखते तुझे? अपना पति में भगवान आत्मा दिखता है, देवर में नहीं दिखता। सुनो, इतना नैरो माइंडेड को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। यहां तो कहते हैं भैया प्रेम भाव हो सब जीवों से, एक इंद्री पानी के जीवों से भी जिन्हें प्रेम हो उन्हें सम्यक दर्शन की लायकात होती है। इसलिए मैंने शुरू में पढ़ के सुनाई 74 नंबर की गाथा, उपदेश सुनने का अधिकारी कौन है, भगवंतों की महावीर भगवान की देशना का अधिकारी कौन है? स्वामी जी की भाषा में बोल दो, पोपा भाई नो राज नथी बापू। कान नहीं है कि कान से तुम जिनवाणी सुन लो, कान से सुनने से सम्यक दर्शन कभी नहीं होता। जिनकी चित्त भूमि कोमल हो उनका काम है ये, बहुत मेहनत करना भैया बहुत मेहनत। अरे रे, जहां मौका लगता है वहां आप चोरी करे बिना नहीं रहते, इसका मतलब आप चोर हैं। जहां मौका लगे की बात है ना, आप जहां मौका लग जाता है। थोड़े में बहुत समय ना भैया, मैं देखता हूं लोगों को, वो क्या बोलते हैं, मटर मटन बटाना क्या बोलते हैं, बटाना बोलते हैं, तो वो खरीदते हैं और फिर उसमें जो दाना नहीं रहता ना, खाली खाली रहता है, तो अपन ने 3 छांट करके उसमें डाला 3, और 8-8, 10-10 दाने या 6 दाने वाला बड़ा बड़ा बटाना लिया, आप बेईमान नहीं है? बेईमान नहीं? 10 ग्राम डाल के 30 ग्राम निकाला, 20 ग्राम निकाला, ये बेईमानी नहीं है, चोरी नहीं है? अभी तो बहुत कहना है भैया, अभी तो बहुत। गांधी जी ने कहा है जो बिना परिश्रम के रोटी खाते हैं वे चोरी करते हैं। विनोबा भावे ने कहा है, विनोबा भावे ने, अब तो मैं जल्दी जल्दी सुना रहा हूं, मुझे मालूम है समय कम है। विनोबा भावे ने कहा है भैया, ज्यादा काम करा करके कम पैसा देना शोषण है, ज्यादा काम करा के कम पैसा देना शोषण है, और कम काम करके ज्यादा वेतन लेना, पूरा वेतन लेना कम काम करके, टीचर हो तो कम पढ़ा के, क्लर्क हो तो हंसी मस्करी करके पैसा पूरा ले, माने आप कम काम करते हैं पूरा पैसा लेते हैं, आप चोर हैं। काम करे बिना आप पैसा लेने के अधिकारी नहीं। अब ये सब सूक्ष्म बातें हैं,
सूक्ष्म कुछ नहीं है, हमारे हिसाब से तो स्थूल है सारी सारी बात। लेकिन मैंने इसलिए सारी चर्चा आपके सामने रखी कि पर्युषण पर्व का आप स्वागत करें, उससे पहले इतनी तैयारी कर ले। जैसे सिंगनी का वो क्या, सिंगनी का दूध हो तो सोने का पात्र चाहिए, सोने का पात्र नहीं, सोने का पात्र भी मंजा और धुला चाहिए। इसलिए मांझ धो रहे हैं ये समझ लो आप, अभी मांझ धो रहे हैं। आपसे मुझे बहुत अपेक्षा है, पैसा हाथ का मेल है, आप पैसे के लिए गैरत नहीं बेचे, अपनी दीन क्या बोलते हैं जमीर, अपनी नैतिकता कभी नहीं छोड़े। इसके बाद आप भूखे मरते हो तो आप मरना पसंद करना, और आप कभी भूखे मर नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। और फिर भी आपको तकलीफ हो जिंदगी में कि अन्याय के पैसे के बिना काम नहीं चलता, तो आप उस दिन मेरे पास आ जाना, मैं आपके भोजन और वस्त्र की व्यवस्था करूंगा। लेकिन कोई भाई की कोई बहन एक पैसे की भी चोरी करने का भाव नहीं रखना। इलेक्ट्रिक चुराना, अरे क्या गजब काम, नहीं नहीं रिमोट सिस्टम निकाल लिया, चुंबक रख दी, मैग्नेट रख दिया, क्या सोचते हो, बिल्कुल गंदे काम नहीं। अपन बिल्कुल फिर समझना, बिल्कुल गंदा काम नहीं, चोरी तो बहुत है। और इसको अकल भरी समझते हैं, गजब तो देखो चतुराई समझते हैं, चार गति में जाने की कला चतुराई नहीं है भैया। हर घर के ऊपर से आजकल वो तार नहीं निकले रहते हैं डिस्क के, महंगे में थोड़ा सा कट लगा के एक तार अपन ने जोड़ लिया, वारे वाह इंटेलिजेंट, क्या मैंने क्या संस्कार। मैं आप देखो, मैं ये जो कहता हूं, जो मम्मी पापा ऐसे करते होंगे वो बच्चों में इनडायरेक्टली चोरों के संस्कार देते हैं, बच्चा भी यही सोचता है ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए। मैं एक सच्ची घटना सुनाऊं, रिलेटिव है मेरे इसलिए नाम नहीं बताऊंगा, रिलेशन भी नहीं बताऊंगा। मार्केट में वो ढेर लगाते हैं ना धनिया पत्ती का, मिर्ची का, ऐसे ढेर लगाते हैं। तो मैं मार्केट में खरीदने जाऊं ना तो मेरे रिलेटिव मना कर दें, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, तुमको सब्जी खरीदना नहीं आती। तो मैं बड़ा असमंजस में, सर खरीदने में क्या दिक्कत है भाई, वहां ढेर लगा है मिर्ची का, हम खरीद लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, पैसा देंगे ले लेंगे। कि नहीं नहीं तुम मत जाओ, वो जाएगी, कौन जाएगी, चालाक, सच्ची घटना है। तो हम भी उसके साथ चले गए, हम ये देखे तो कैसे खरीदते हैं, अपन को भी खरीदना आ जाएगा। तो वो क्या करें, एक ढेर की मिर्ची ले लें और एक आध मिर्ची दूसरे ढेर पे डाल दे, समझ गए, और फिर उसमें से तीन चार मिर्ची खींच ले। अरे मेरी ये गजब बात है, ये चालाकी है। अभी आपको खबर नहीं क्या कह दे हम आपको, अपने बच्चों में संस्कार में तो पाठशाला में बहुत पढ़ाया है, ये चोरी का पाठ बच्चों को बहुत पढ़ाया है। बच्चे भी मजा लेने के लिए ढेरियां लगती है ना, बेर बोर बोर, एक बेर यहां चखा क्या भाव दिया, दूसरे के पास पहुंच गए क्या भाव दिया, 10-50 बेर खा लिए, पैसा भी नहीं लगा, छठी एक रुपया बच गया। ये कलाकारी नहीं सीखना भैया, लेकिन तुझे मालूम नहीं है तूने इतने से 50 ग्राम बोर के चक्कर में अपना भगवान पना छोड़ दिया। आपने आपको मैं बताऊंगा अभी 10 लक्षण में बताऊंगा कि आपके एक एक परिणाम से घातीय कर्म में कितना लॉस होता है, आपको खबर नहीं है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे, अभी चोरी की थोड़ी चर्चा करी, कल और करेंगे अभी। ओम नमः शिवाय।